तुलसी की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग जो प्रत्यक्ष रूप से या ऑनलाइन मुझे देख पा रहे हैं, आप सभी की उस उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इस वर्ष दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, इन सभी पर्वों में एक उल्लास अलग से दिखाई पड़ रहा है और इसका सीधा सीधा कारण क्या है वो मैं एक पुस्तक के माध्यम से आपके सामने रखता हूं कि सदियों बाद समय है आया मंदिर भव्य बनाने का। सदियों बाद समय है आया मंदिर भव्य बनाने का, अगणित बलिदानों का प्रतिफल हाथ बढ़ा कर पाने का। और यूं तो पर्व दिवाली का हमने हर वर्ष मनाया है, किंतु सही अवसर में आया अब ये पर्व मनाने का। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और हर सनातन धर्मी के लिए एक गर्व का विषय है, एक उल्लास का विषय है। चार पंक्तियों में राष्ट्रवाद को परिभाषित करता हूं। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का कवि हूं। अक्सर राष्ट्रवाद की कुछ राजनीतिक परिभाषाएं निकाल दी जाती हैं। मैं चार पंक्तियों में राष्ट्रवाद को परिभाषित करता हूं। स्वागत है कि तुम गीता के श्लोक पढ़ो या पढ़ते हो तुम रोज कुरान। तुम गीता के श्लोक पढ़ो या पढ़ते हो तुम रोज कुरान। तुम मंदिर में शंख बजाओ या मस्जिद से करो अजान। याद सदा तुम रखना लेकिन बस छोटी से इतनी बात, सीना चीर दिखाओ जब तुम दिल में निकले हिंदुस्तान। और जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। हम जातिवाद संप्रदायवाद से कहीं ऊपर उठकर बात करते हैं और ऐसे में अगर कोई विचारधारा ये कहे कि हम पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर देंगे, गजवाए हिंद का नारा दे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का गजवाए हिंद से टकराव होना स्वाभाविक है। एक हर्ष का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ऐसी सरकार है जिसने गजवाए हिंद की विचारधारा पर लगातार प्रहार किया है। अशांति भंग करने वाले ज्यादातर लोग अब जेल में हैं। मैं मुख्तार पढ़ता हूं कि आधे गुंडे जेलों में हैं, आधे यम के द्वार गए। आधे गुंडे जेलों में हैं, आधे यम के द्वार गए। कुछ ने गोली खाई तो कुछ कंधों पर लद चार गए। जब से यूपी में आया है योगी का शासन तब से भगवा के आगे देखो सब गजवा वाले हार गए। ये जब जब कहीं ना कहीं अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो उसका विनाश करने के लिए कोई ना कोई आता है। वो राम का रूप हो सकता है, वो कृष्ण का रूप हो सकता है। और ये राम ये कृष्ण कहीं हो सकता है हम में से ही कोई हो। आप अपने अंदर भी राम को ढूंढिए और मेरे अंदर भी राम को ढूंढिए। एक रचना से आपको जोड़ता हूं। स्वागत है भाई। पाप धरा पर बढ़ जाए तो उसे मिटाना पड़ता है। पाप धरा पर बढ़ जाए तो उसे मिटाना पड़ता है। पाप धरा पर बढ़ जाए तो उसे मिटाना पड़ता है। और वध करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है। वध करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है। रामलीला का मंचन इस पवित्र मंच से हो रहा है। आप सब उस पूरी कथा को देख रहे होंगे। मैं अपने शब्दों में उस कथा को कुछ कहने का प्रयास करता हूं कि रघुकुल की मर्यादा कहती राज धर्म का पालन हो। रघुकुल की मर्यादा कहती राज धर्म का पालन हो। बस राजा की इच्छा से ही शासन का संचालन हो। रघुकुल की मर्यादा कहती राज धर्म का पालन हो। बस राजा की इच्छा से ही शासन का संचालन हो। वन भेजे वो ज्येष्ठ पुत्र को राजा की मजबूरी है। वचन दिया जो पत्नी को उसका सम्मान जरूरी है। आज पिता की इच्छा का राजा की जिव्या दमन करे। कोई ऐसा पास नहीं जो ऐसे दुख का शमन करे। कोई ऐसा पास नहीं
नहीं जो वैसे दुख का शमन करे, कोई ऐसा पास नहीं जो वैसे दुख का शमन करे। अगर दिया हो वचन किसी को, वचन निभाना पड़ता है। वध करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है, वध करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है। कर्तव्यों से पीछे हटना पुरुषोत्तम का काम नहीं। भगवान राम के चरित्र को कुछ पंक्तियों में स्वागत है। कर्तव्यों से पीछे हटना पुरुषोत्तम का काम नहीं, बाधाओं से घबराए जो वो दशरथ सुत राम नहीं। कर्तव्यों से पीछे हटना पुरुषोत्तम का काम नहीं, बाधाओं से घबराए जो वो दशरथ सुत राम नहीं। राजभवन का वैभव छूटे, वनवासों का त्रास मिले, सोने का सिंहासन छूटे, पर्णकुटी का वास मिले। माता पिता की ममता क्यों ना जानने से पहले टोके, अनुज भरत जैसा हो चाहे जो आकर रास्ता रोके। मार पिता का रखने को शासन ठुकराना पड़ता है, बद करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है, बद करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है। माँ बनी हनुमान तो कुछ पंक्तियों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि पवन पुत्र कहता कोई कोई बजरंग पुकारे है। पवन पुत्र कहता कोई कोई बजरंग पुकारे है, पर्वत शीश झुकाता उसको सागर पांव पखारे है। पवन पुत्र कहता कोई कोई बजरंग पुकारे है, पर्वत शीश झुकाता उसको सागर पांव पखारे है। ताकत उसमें है कितनी ये जामवंत ने ज्ञान दिया, सोने की लंका में घुसना उसने मन में ठान लिया। अपने स्वामी का संदेशा सीता तक पहुंचाना हो, अपने पौरुष के आगे बैरी का शीश झुकाना हो। लंका सोने की क्यों ना हो, उसे जलाना पड़ता है। के घर में रह कर भी पति का नाम लिया जिसने लंका की रानी बनने का ना सम्मान लिया जिसने। बैरी के घर में रहकर भी पति का नाम लिया जिसने, लंका की रानी बनने का ना सम्मान लिया जिसने। तन पावन हो मन निर्मल हो अग्नि परीक्षा देती हो, पत्नी धर्म निभाने को वो सारे दुख सह लेती हो। धरती माँ की पुत्री हो संयम की एक कहानी हो, जिसका जीवन हो ऐसा जैसे गंगा का पानी हो। सीता जैसी पत्नी को वन में भिजवाना पड़ता है, वध करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है, वध करना हो रावण का तो धनुष उठाना पड़ता है। और बदलवादा का जय श्री राम।